ऋषभ पंत का मैच देखने आई थी उनकी खास दोस्त ईशा नेगी नाम उनका बताया जा रहा है। आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये ऋषभ पंत की खास दोस्त है ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के विश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जब से ऋषभ पंत ने वापसी करी है तब से लेकर अब तक ऋषभ पंत एक्स और बाकी सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक पंत की बात है तो उनको लेकर बहुत सारे लेजेंड्स ये भी कह रहे हैं ना कि आप उनको गेम से बाहर नहीं रख सकते। अगर उनके बल्ले से रन नहीं आते हैं तो वो विकेट कीपिंग के जरिए या फिर अपने डिसीजन मेकिंग के जरिए गेम में रहते हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि लगातार उनका कंपैरिजन संजू सैमसन से चल रहा था कि कौन सा प्लेयर बेटर है, लेकिन जिस तरीके की ऋषभ पंत की पारी नजर आती है, अभी कपिल ने बताया कि वो विकेट कीपिंग, कैप्टनसी, बैटिंग तीनों में ही अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो संजू सैमसन के आगे ऋषभ पंत बेटर है। बिल्कुल, और लेकिन कहा यह जा रहा है कि पंत जो है ना वो स्पिन को उतना अच्छा इस सीजन में नहीं खेल पाए जितना वो पहले खेला करते थे, पेस के खिलाफ वो ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि टॉप फोर में अगर दिल्ली को आना है तो दो मैचेस हैं लखनऊ के खिलाफ और आरसीबी के खिलाफ जो दोनों ही जीतने होंगे, और टॉप फाइव में वो माफ कीजिएगा टॉप फोर में अपनी जगह बना लेगी। फिलहाल पांचवें नंबर पे पॉइंट टेबल पे एक बार मैं आपको बता देती हूँ, केकेआर चल रही है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे हैदराबाद, चौथे नंबर पे चेन्नई और उसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल्स। जहां तक लखनऊ की बात है तो इस टीम का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर हमने जो देखा, और जहां तक आरसीबी की बात है तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीम खुद कह देती है कि आज हमें मैच नहीं जीतना है, हमारा मन नहीं है, आप जीत लो। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी ये जीत दे सकती है तोहफे में, क्योंकि आरसीबी को जीतने के बाद भी मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई फायदा मिलने वाला है, और दिल्ली की किस्मत चमक गई तो शायद ये जीत हासिल हो जाए। और कपिल ने जो इंसिडेंट की बात करी तो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल जो इंसिडेंट था वो हमको देखने को मिला, किस तरीके से केएल राहुल को झेलनी पड़ी, सारी चीजें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ऋषभ पंत के आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, 110 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं जहां पे रन है 3251, बेस्ट है 128, स्ट्राइक रेट है 148.99, सिक्सेस है 154। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं पंत जो है वो पेस और स्पिन के खिलाफ कैसा खेलते हैं। तो पेस के खिलाफ कैसा खेलते हैं मैं बता देता हूँ, 11 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, इसमें 282 रन बनाए हैं, पांच जो है पांच बार आउट हुए हैं, और यहाँ पर स्ट्राइक रेट 188 का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर बॉल बाउंड्री है 3.5 बॉल के बाद। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो अभी कपिल ने छेड़ी थी कि पेस और स्पिन में जो है डिफरेंस आ जाता है जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे होते हैं, पेस अच्छे से खेल पाते हैं, स्पिन बैटिंग अभी उनकी उतनी खास है नहीं। मैं आपको बता दूं कुल मिला के 11 मैचेस खेले हैं, 131 रन जड़े हैं, पांच बार आउट हुए हैं और 115 का स्ट्राइक रेट रहा है। और जहां तक पर बॉल बाउंड्री की बात है तो ये 8.2 है, यानी कि स्पिन के खिलाफ उतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम कहीं वर्ल्ड कप में ना आ जाए तो ये फिलहाल एक कंसर्न है। आगे अगर हम बढ़े तो ऋषभ पंत जो है वो अपने गेंदबाजों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका कहना है जितने भी उनकी टीम में गेंदबाज हैं, बात अगर कुलदीप की हो, मुकेश कुमार की हो या फिर खलील अहमद की हो, इन सभी ने दो दो तीन तीन विकेट्स लिए हैं, अपने नाम किए हैं, और यहाँ पर जो है दिल्ली जो है इतनी क्राइसिस से उभर रही थी कि जब कोई ऐसा खेलता है तो तारीफ तो बनती है। बिल्कुल, रसिक डर सलाम की अगर बात करें तो वो भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आए थे और गेंदबाजी उन्होंने बहुत शानदार की है। कुलदीप यादव दो मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चले हैं। अब आगे अगर हम बढ़े तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, इन दोनों के ऊपर दिल्ली डिपेंडेंट थी, लेकिन दोनों ही ओवर का जो है वो फिलहाल टीम से बाहर है, लेकिन परफॉर्मेंस टीम में जो है वो अच्छी आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली प्लेयर्स में जो इंपैक्ट प्लेयर थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है। बात यहाँ पे मैंग्रो की जाए तो वो भी इन दोनों ही के इंपैक्ट में आके खेले थे, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लीजिए, और आपने कहा कि इन दोनों पे डिपेंडेंट थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्लेयर्स ऐसे थे कि टीम में कोई खास काम कर नहीं रहे थे, इन फॉर्म में ये थे नहीं, तो अगर ये बाहर गए और कोई आया है और अच्छा खेला है तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी चीज हुई है। जहां तक मैग्रू की बात है, उनकी परफॉर्मेंस दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा शानदार रही है, 309 रन उन्होंने बनाए हैं, एवरेज की अगर बात करें तो 44 का है, स्ट्राइक रेट जो है वो 235 का है, और सिर्फ उन्होंने 7 मैच ही अब तक खेले हैं। अगर सिक्सेस की बात करी जाए 26 मारे हैं और 30 यहाँ पर 4 भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कपिल की, 2023 में जो माफ कीजिए को ऑक्शन हुआ था वहां पर ये अनसोल्ड रहे थे, लेकिन लुंगी निगड़ी करके जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं उनके इंपैक्ट में, उनकी रिप्लेसमेंट में आके 50 लाख में बिके। बिल्कुल, और जहां तक दिल्ली की बात है, पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल रही है। अगर मुंबई के खिलाफ देखें तो 92 रन बनाए 6 ओवर में, फिर हैदराबाद के खिलाफ 88 रन बनाए, उसके बाद पंजाब के खिलाफ 81 रन, राजस्थान के खिलाफ 78 रन, और आरसीबी के खिलाफ एक बार फिर से 71 रन बनाए थे। पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल रही है, और रिकी पॉन्टिंग अभिषेक कोरेल की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी है। देख लेते हैं कि इस सीजन उनका स्कोर क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये वेस्ट बंगाल से आते हैं और दिल्ली ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया
किया था। और अब आप एक बार स्टैट्स देख लीजिए और आप खुद समझ जाएंगे कि रिकी पोंटिंग तारीफ क्यों करते हैं। उन्होंने कुल मिला के अब तक 12 मैचेस खेले हैं, रन रहे हैं 267, स्ट्राइक रेट है 157.99, बेस्ट रहा है 65। बिल्कुल, और ट्रिस्टन स्टब्स की बात करी जाए, साउथ अफ्रीका से आते हैं, 12 मैच खेले हैं इन्होंने, 318 रन बनाए हैं, इसमें स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 188 का है और बेस्ट इनका 71 है। तो दिल्ली को जो कमी खल रही थी वो खल रही थी ओवरसीज प्लेयर्स की, क्योंकि इंडिया के गेंदबाज उनके पास बहुत अच्छे हैं और कप्तान भी उनका मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो धोनी से गुड़ लेकर आए। और बाकी जहाँ तक लर्निंग की बात है, जहाँ तक फिटनेस की बात है, तो ये बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से ऋषभ पंत इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उर्विका अभी सवाल वही का वही है कि क्या दिल्ली जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी, ये जो है मैं तो पूछ रहा हूँ अपने जो देख रहे हैं लोग उनसे। मैं अगर अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव सामने रखूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र आता है जो टीम्स हैं, अगर हम दोनों को ही देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार जीत पाएंगी दिल्ली से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आराम से दिल्ली टॉप फोर में अपनी जगह बना लेगी। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा।